नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आपकी के अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों अभी भी लॉकडाउन को लेकर बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। जी हां दोस्तों, बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज यहां पे आ चुकी है। कोरोना लॉकडाउन को लेकर देश को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांट दिया गया। मोदी सरकार का बड़ा फैसला यहाँ पर आ चुका है। दोस्तों आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है वो कौन से राज्य है जिसमें सबसे पहले लॉकडाउन खुलने वाला है और वो कौन से राज्य जहां पर सबसे बाद में यहां पे लॉकडाउन खुलने वाला है। तो दोस्तों हम इस वीडियो में सारी चर्चा करने वाले हैं। आप वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा, साथ में वीडियो लाइक जरूर कर दे और चैनल पे आप नए हो तो चैनल भी जरूर जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आपको हर प्रकार के अपडेट सबसे पहले मिलते रहे। साथ में दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी अपने दोस्तों के पास में आप जरूर जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो इधर दोस्तों लॉकडाउन को लेकर देश को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांट दिया गया। जी हाँ दोस्तों, देश में कोरोना वायरस का कहर बढ़ता ही जा रहा है और इसके मरीजों की संख्या 8,300 के पार चली गई है। इस बीच बड़ी खबर आई है, वायरस के खतरे को देखते हुए लॉकडाउन बढ़ाने के प्रस्ताव पर केंद्र की मोदी सरकार देश को 3 जोन में बांट सकती है। जी हां दोस्तों, सरकारी सूत्रों की माने तो केंद्र सरकार कोविड-19 मामलों की संख्या के आधार पर देश को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटने का विचार कर रही है। इस तरह के जोन में बांटकर सरकार कुछ छूट आपको दे सकती है। बता दें कि दोस्तों लॉकडाउन की मियाद 14 अप्रैल को खत्म हो रही है और कई राज्यों ने इसे बढ़ाने की भी मांग की है। इधर दोस्तों मैं समझा देता हूं आपको रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन क्या है। सरकारी अधिकारियों के हवाले से समाचार एजेंसी पीटीआई ने कहा है कि जहां सबसे ज्यादा कोरोना के केस आए हैं उसे रेड जोन रखा जाएगा, जबकि रेड जोन में पूरी तरह लॉकडाउन होगा और इसमें वे इलाके शामिल होंगे जहां संक्रमित लोगों की संख्या बहुत ही अधिक है। उधर ऑरेंज जोन में वे इलाके शामिल किए जाएंगे जहां कोरोना वायरस के काफी कम मामले सामने आए और पॉजिटिव मामलों की संख्या में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। ऑरेंज जोन के बारे में बात करें दोस्तों, ऑरेंज जोन में उन इलाकों में को शामिल किया जाएगा जो आपके फसल काटने वाले सीमित पब्लिक ट्रांसपोर्ट की इजाजत दी जा सके। साथ ही वही ग्रीन जोन में इन इलाकों को शामिल किया जाएगा जहां कोरोना का कोई मामला सामने नहीं आया है। जी हां दोस्तों, जहां पर अभी तक एक भी कोरोना का मामला सामने नहीं आया उसे ग्रीन जोन घोषित करके उसका लॉकडाउन खोल दिया जाएगा। ग्रीन जोन में आने वाले कुछ छोटे उद्योगों को भी खोलने की इजाजत दी जा सकती है, मगर दोस्तों कर्मचारियों को कंपनी में ही रहने को कहा जा सकता है। साथ ही उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करना होगा। बता दें कि सरकार पहले ही इस ओर इशारा कर चुकी है कि देश को पूरी तरह से लॉकडाउन नहीं किया जाएगा। पीएम मोदी ने दिए थे लॉकडाउन के संकेत, मगर शनिवार को मुख्यमंत्रियों संग बैठक में पीएम मोदी ने संकेत दिया था कि कोरोना को लेकर पाबंदियां जारी रहेंगी। हालांकि उन्होंने कुछ छूट रहेगी और भी इशारा किया। उन्होंने कहा है, पहले हमारा मंत्र था जान है तो जहान है, मगर अब मंत्र हो गया जान भी और जहान भी। जब मैंने राष्ट्र के नाम संदेश दिया था तो शुरू में बल दिया था कि हर नागरिक की जान बचाने के लिए लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बहुत ही जरूरी है। देश के अधिकतर लोगों ने बात को समझा और घरों में रहकर दायित्व निभाया, मगर अब भारत के उज्ज्वल भविष्य, समृद्ध और स्वस्थ भारत के लिए जान भी और जहान भी दोनों पहलुओं पर ध्यान आवश्यक है। अब देश की चिंता करते हुए अपने दायित्व निभाएंगे सरकार और प्रशासन को दिशा निर्देशों का पालन भी करना होगा। माना जा रहा है कि मोदी सरकार कुछ उद्योग धंधों को छूट दे सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि मोदी सरकार ने पहले ही मछली पालन और बिक्री से जुड़ी गतिविधियों को लॉकडाउन से छूट दे दी है। इसको नजरअंदाज देते हुए दोस्तों बहुत सारे राज्यों में लॉकडाउन खत्म हो सकता है।